इधर सालों साल कोई नहीं आएगा इधर देखने के लिए ना सफाई करने के लिए। आप ही खुद कर लेते, हम थोड़ा बहुत ही कर लेते बस। अब स्कूल तो बंद हो जाएंगे, गली में खेलेंगे तो बीमारी तो झुकी तो पकड़ेगी उनको, बच्चों को तो बच्चों की हिफाजत होनी चाहिए भाई। बच्चे बॉल उठा उठा नाली का बॉल उठा, कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? खेलते हैं यहाँ पे, नालियों में बॉल जाती है, बच्चे एक दूसरे को फेंकते हैं। और बस चुनाव के टाइम पे आ जाएंगे वोट मांगने के लिए, फिर कुछ काम नहीं करवाते, फिर पीठ दिखा के भाग जाएंगे। हाथ जोड़ रहे बहन जी, ये काम का हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, वोट भी देने का दिल नहीं करता। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है हस्ताल बिहार में। जैसे कि पता है दिल्ली में सरकार दावे करती है कि हमने गली गली को चमकाया मोहल्ला के लिए, हम मतलब तरह तरह के वो जो वादे करते रोडों को चमकाया, लेकिन आज हम ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ हस्ताल बिहार पड़ता है। आपको यहाँ का दिखाएंगे, जैसे नाले का पीछे अगर मेरे पीछे देख सकते हो क्या हालत है, ये दिल्ली की हालत है। लेकिन ये सिर्फ अब बैनरों पर रह गई है कि दिल्ली की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा और पूछूँगा कि यहाँ पर जो सफाई है MCD वाले वो क्यों नहीं आते हैं, आखिर क्या कारण है, और ये कब से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, यहाँ के लोगों का क्या राय, क्या इन्होंने कभी MCD में जाके कंप्लेन की है या नहीं की है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार मैम, ये जो हालत है कब से है? ये तो 2-2.5 साल हो गए हम यहाँ पे, आज तक सफाई नहीं। दो साल में MCD आए नहीं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं आता यहाँ पे, ना सफाई करने वाला आता है, अगर कर जाते हैं कभी तो वो कूड़ा नहीं उठाते। ये सब ऐसे ही सब बंद पड़ी, देखो बड़ी परेशानी होती है। तो कोई भी MLA यहाँ का आसपास कोई जायजा लेने आया कि नहीं कभी? नहीं नहीं आए हुए, कभी आता इस गली में जी नहीं आता है इसमें जी, बहुत परेशान है, इससे तो बीमारी फैलेगी, तो बच्चे बीमार होंगे, डेंगू पैदा होएगा, तो कैसे सफाई होगी? कब तक के हम भी करेंगे, तो उनको भी तो करना चाहिए ना, आना चाहिए। कूड़ा उठाएंगे तो हम कूड़ा कहाँ तक के फेंक के आएंगे, कूड़ेदान सब बंद है। MCD गाड़ी आती है आसपास? गाड़ी आती है, वो पीछे से आगे से ही चली जाती नहीं, यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे ना गाड़ी कूड़ा उठाने वाली आती है ना कूड़ा लेने वाली आती, गाड़ी है वो अगली वाली गली में से चली जाती है, इसमें नहीं आती। कोई नहीं जाता है, कोई रिक्शे भी तो नहीं जाता है कूड़े वाले। यहाँ के लोगों ने कभी कंप्लेन करने की कोशिश की? कई मरतबे हुआ है कंप्लेन, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ प्रधान जी के पास क्या बोला उन्होंने? बोलेगा तो हो जाएगी सफाई, हो जाएगी, तसल्ली देते ऐसे ही हो जाएगी, हो जाएगी। कभी कभार आते हैं नाली वाली से, कभी कभार इसी करके चले जाते हैं, बस हो जाती है। तो अभी ये कितने, मैं अभी देख रहा हूँ बहुत बुरा हाल है, जैसे कि कैमरामैन से कहूँगा एक बार नाले का दृश्य दिखाए कि यहाँ पे क्या हालत है। यहाँ पे रहने पे रहने के लिए लोग मजबूर है, क्या करेंगे? यहाँ के और भी लोग हैं जो पीछे, इनसे बात करेंगे कि ये कब आखिर ये देख सकते हैं। पीछे इस साइड देखना आप कि क्या हालत है, कूड़े का व्यवस्था, मतलब कोई गाड़ी नहीं आता, MCD वाले गाड़ी नहीं लाते। हाँ जी मैम, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? कई बार करके आए हैं ये ठाकुर को, तो वो तो भैया एक आध बार निकाल देते, अब साल ही हो गया इस नाली को निकले हुए, देखो कितनी गंदगी है, निकाल जाता तो फिर उठाने नहीं आएंगे, उठाने नहीं आते, उठाने नहीं आते, ये भरी पड़ी है। हाँ, कभी कोई निकालने नहीं देते, कभी कुछ, बस हाँ बहुत सारी गंदगी है भैया, बहुत देखो भरी हुई है सारी नालियाँ, इधर सालों साल कोई नहीं आएगा इधर देखने के लिए ना सफाई करने के लिए। आप ही खुद कर लेते, हम थोड़ा बहुत ही कर लेते बस। तो आप लोग MCD ऑफिस में कभी नहीं गए या कोई लेटर टाइप लिखना चाहिए ना? नहीं भैया, हमने तो लिखा था, काफ़ी बार लिखा है, वो लोग आए। हाँ कंप्लेन करी है वैसे फ़ोन पे, इन्होंने कंप्लेन करी है पर कोई नहीं आता। मैम और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? भाई नाली साफ़ होनी चाहिए, इससे गंदगी होती है, बच्चे परेशान होते हैं, बीमारियां फैलेंगी, फिर वो फिर आगे जाना पड़ेगा इस हिसाब से, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा आप बताइए, इससे तो बहुत ज़्यादा बीमारी, डेंगू को वैसे चल रहा है आजकल, और ये कोरोना चल रहा है, कोरोना में कितना लोग मर रहे हैं जिस हिसाब से, तो उस चीज़ के लिए तो साफ़ सफाई होनी चाहिए ना। अब आपके हमसे आप यही विनती है कि आप यहाँ के गली में आओ और साफ सफाई का ध्यान करें यहाँ पर, और जो बीमारियां उसको भगाएं, दवाइयां वगैरह डालें यहाँ पे आके। अब स्कूल तो बंद हो जाएंगे, गली में खेलेंगे तो बीमारी तो झुकी तो पकड़ेगी उनको, बच्चों को तो बच्चों की हिफाजत होनी चाहिए भाई। बच्चे बॉल उठा उठा नाली का बॉल उठा, कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? खेलते हैं यहाँ पे, नालियों में बॉल जाती है, बच्चे एक दूसरे को फेंकते हैं,
कीचड़ लगती है बच्चों पे, फिर वो बीमारी हो जाती है। इसी गाने पे हम यही आपसे प्रार्थना है कि साफ सफाई होनी चाहिए गली मोहल्ले में। अब जो एमसीडी इलेक्शन आ रहा है तो उस पे आप वोट किस चीज को देख के देंगे? वोट देंगे किस किस को दे? वोट के लिए तो यहाँ आते रहते हैं लोग, अब वोट दे देते हैं तो फिर वही है कि जब तक वोट चलता है जब तक आ जाते हैं, उसके बाद कोई देखता ही नहीं यहाँ पे आगे कि गली में क्या है क्या नहीं है। वोट कहाँ दे, किस किस को दे वोट बताइए? वोट तो हम देते हैं जब आते हैं तो पब्लिक। मेरा छड़ा बना तो इस बार आप वोट देंगे तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या देखो सरकार को क्या बोलेंगे कि हमारा ये काम होना चाहिए? नाली का सुधार होना चाहिए, रोड भी देखना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए ताकि हम आगे वोट दें। पब्लिक तभी तो वोट दे पाएंगे जब हमारे यहाँ साफ सफाई रहेगी। मोहल्ले की जो गंदगी है उसके बारे में कहेंगे? सफाई कराना चाहते हैं, सफाई हो जाए। सफाई हो जाए, हाँ जी। तो कोई आता नहीं है क्योंकि अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इस गली के, तो मैं सोचा जायजा लूँ एक बार। तो बहुत बुरा हाल है, बच्चे खेलते हैं। मैं ठाकर को नेते को बोल के आती हूँ, ठाकर नेते ने एक बार मैंने कराई दोबारा कूड़ा निकाल के, उसके बाद कूड़ा उठवाया नहीं है, फिर साथ वाली ने 20 रुपये दे के उठवाया है। और हम मैं पवित्र, हम क्रिश्चियन है, मेरे को उल्टी सी आती, दिल खराब होता है, मेरे को गंदगी बिल्कुल पसंद भी नहीं है। आपको हकीकत बताऊँ तो मैं यहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं, बच्चे या तो ज़्यादातर बीमार होने का उन्हीं के चांस है, यहाँ के जो बच्चे हैं जो गलियों में खेलते रहते हैं उनसे बात करेंगे। आप जब गलियों में खेलते हैं तो किस तरह की परेशानी होने हो जाती है? कोई बच्चा खेलते खेलते नाली में गिर जाता है, बॉल चली जाती है, बहुत सारी परेशानियां होती रहती है। और इतने कचड़े हो रखे हैं ना गली में कि मच्छर मक्खी पोछा भी लगा दो सीढ़ियों पे तो मक्खी फिर भी बैठी रहती है। और खेलते समय इतनी गंदी स्मेल आती है नालियों से, मच्छर आते फिर हमें काटते, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, इतनी सारी बीमारियाँ हो जाती है हम लोग को। और बस चुनाव के टाइम पे आ जाएंगे वोट मांगने के लिए, फिर कुछ काम नहीं करवाते, फिर पीठ दिखा के भाग जाएंगे और कहेंगे ये काम करेंगे वो काम, कुछ काम करते नहीं है। का तो बहुत खतरा है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, वो नाली में भी गिर जाते हैं खेलते खेलते, किसी को बॉल लग जाती है तो नाली की बॉल से ही मार देते हैं। बहुत खतरा है बीमारी का, और मच्छर को तो बहुत पैदा हो जाएंगे। सड़क पर आया था बच्चों वहाँ पे, बारिश के टाइम पे कैसा हाल होता है? टाइम पे तो पूरी नालियाँ गली में भर जाती है, पूरी की पूरी नालियाँ बाहर, इधर की नालियाँ उधर की नालियाँ। अम्मा गली का जो हाल है बारिश के टाइम पे और कितना बुरा हाल होता होगा? बहुत बुरा हाल होता भैया, ठीक है, निकलना बैठना मुश्किल हो जाता है, कैसे निकलो। अच्छा, आप और क्या कहेंगे सरकार से, फिर ऐसी व्यवस्था है इसके बारे में? इसके बारे में कहेंगे कि एक सुधार कराओ ना, एक बनाओ, ठीक कराओ, ये बोलेंगे। और क्या, देखो आप ही देख लो सारी। तो दो साल में कभी कोई गली को देखने नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आता ना कि गली का देखने। साफ वोट दो हमें, हम सफाई करेंगे। वोट ले के बैठ जाते हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं। वोट के टाइम पे बड़ा वो करेंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। हाँ बहन जी, सोचे बहन जी हाथ जोड़ रहे, बहन जी ये काम क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वोट भी देने का दिल नहीं करता। तो आप मेरे पीछे इधर भी देख सकते हैं, मतलब क्या हालत है, मिट्टी रखी है और नाले की जो हालत है, नाले का जो पानी है रोड पे आ रहा है वापस, ऐसा हालत है क्योंकि नाला जाम हो चुका है, पानी जाने का कोई साधन नहीं है कि यहाँ नाला का जो पानी पास हो आगे जाके। तो और क्या दिक्कत है यहाँ पे मैम? बीमारी हो रही है इससे बहुत ज़्यादा, बीमारी हो जाती है, तबीयत खराब है, दवाई खाते हैं करके। और ये अभी समर सीवर खोला तो इसमें भी जा रहा है, वो कह रहे थे कि भाई समर सीवर में जा रहा है ये पानी गंदा, आपके पीने में भी आएगा तो नुकसान देगा, ये बहुत गलत है। आ ही नहीं रहे, आते ही नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो देखा आपने यहाँ पे जो लोग हैं, हमने इनसे बात किया और आपको दिखाया भी कि यहाँ गलियों मोहल्ले की क्या हालत है, क्यों इन्होंने आरोप भी लगाए हैं एमएलए को, जैसे एमसीडी को, कि ये वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़कर, ये सब इन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, लेकिन इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़े बीमारी का जड़ हो सकता है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे खतरा हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे खेलते रहते हैं तो उनको ज़्यादातर। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, एमसीडी से यही गुजारिश करूँगा कि इस गलियों को आए एक बार, इसको सफाई करवाई जाए और इस पर ध्यान दें। आप बने रहे युवा की आवाज़ के साथ। नमस्कार, मैं मुख्तार, धन्यवाद।